ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಾಳೆ 2023 ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಇದು ನಾಲ್ಕನೇ ಅಲೆ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಲಿ, ಕೊರೋನಾ ದೂರ ಹೋಗಲಿ, ಮಹಾಮಾರಿ ಎಂಬ ನಂಬಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಹರಿಬಾರ್ದು ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ಸರ್, ಅಭಿ ಜೋ 2022 ಖತಮ್ ಆಯ್ತು ಸರ್, 2023 ಮೇ ಜೋ ಆಪ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಲೋಕ ಆಪ್ಕೆ ಪೀಚೆ ಆಪ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಾ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಠಹರೋ ಬೋಲ್ಕೆ ಆಪ್ಕೊ ಬಹುತ್ ಸಮರ್ಥನ್ ಕರೆ ಸರ್. ಅಗರ್ ಏಕ ಆದ 2000 ಲಕ್ಕಿ ಲಗೆ ಆಪ್ಕೊ 23 ಅಗರ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಅಗರ್ ಬನ್ ಗಯೆ ತೋ ಪಹಲಾ ಫೋಕಸ್ ಕಿಸ್ ಪೆ ರಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಆಪ್ಕಾ? ದೇಖೋ, ಫಸ್ಟ್ ಅಗರ್ ಮೇರೆಕೋ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಹೋಕೆ मैं एम एल ए बन गए तो फर्स्ट फोकस मेरा गरीबी दूर करूंगा. सभी जितने भी मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी लोग हैं, गरीबी दूर करूंगा. जितने भी जो झुपड़पट्टी में जो आज तक भी जो लोगों को फैसिलिटी नहीं मिल रहा, मूलभूत सौकर्य, वो फर्स्ट फोकस करूंगा मैं. और नेक्स्ट बोले तो निरुद्योगी अनएम्प्लॉयड बच्चे आज बिदर में कितना परेशान है हमारे जिले में. हाँ, आज कौन सा भी ऑफिस में जॉब के लिए गए तो दो दो साल फिर रहे, उनको जॉब नहीं मिल रहा, वो पहले दूर करूंगा मैं. 6 महीने में 2-3 काम पहले मैं फोकस करूंगा. और एक दो प्रॉब्लम है सर, राशन कार्ड इनकम कास्ट, इसके बारे में क्या कहते हैं सर? इसके बारे में तो मैं इमीडिएटली, मैं एमएलए बनते के साथ इमीडिएटली एक्शन लेके घर घर राशन कार्ड और घर घर जो राशन कार्ड जो जितने लोगों को कट हुआ वो इमीडिएटली मैं करा के दूंगा. और सर, जो एमएलए बनता सबको मिलते हैं 60 महीने. 60 महीने में जो एमएलए जो बनते हैं बिल्कुल 40 महीने बेंगलुरु में काटते सर, आप कैसा करेंगे सर एमएलए बने? देखो साहब, मेरा दूसरा कोई मेरा बिजनेस नहीं है, मेरा कोई बड़ा एजुकेशन सोसाइटी नहीं है, बेंगलुरु में कोई दूसरा बिजनेस नहीं है. मैं 24 आवर्स है बीदर में पब्लिक में रहूँगा, 24 आवर्स साइंस भी लूँगा. मेरा बेंगलुरु में कुछ काम नहीं है, जो समाज की जो काम रहता है उसी के लिए मैं बेंगलुरु जाऊँगा, विधानसभा में जाऊँगा, ऑफिस लेवल में काम करके फिर मैं 24 आवर्स सही टाइम दे दूँ पब्लिक को. सर, अभी सुने के आप कुछ नए नए गाने सुने सोच रहे बोल के सुने में सर, कहाँ तक सही है सर? देखो सर, मैं एक बार अगर एमएलए बन के मैं असेंबली गया, जो लोगों को आज गांव से लेके तालुका ऑफिस तक लेके जो स्टेट कर्नाटक सरकार ऑफिस तक फिर रहे लोग, वो मुक्त करूंगा मैं बोला फर्स्ट. और प्रति ग्राम पंचायत को एक एक मेरा एमएलए ऑफिस रहेगा, और प्रति ग्राम पंचायत एमएलए ऑफिस बनाने के बावजूद भी और हर गांव में एक एक मेरा डब्बा रहेगा. जो भी पब्लिक का समस्या है वो डब्बे में डाल देना, मैं वीकली संडे एक वीक में वीकली विजिट करके जब का जब प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा जो भी समस्या है लोगों की.